आपका स्वागत है। पता नहीं नखरों के नीचे क्या है। छी, मैंने इतना घटिया और बड़ा लॉलीपॉप कभी नहीं देखा। मेरा भी कोई कम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों, इस बार हम स्पष्ट रूप से लकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत कैंडी निकली। हाँ, वो तो सही है, लेकिन तुम्हें पहले लॉलीपॉप खाना होगा क्योंकि तुम्हारा सबसे छोटा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी तबीयत खराब ना हो। मुझे नहीं लगा था कि इतना स्वादिष्ट होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मक्खी में जान आ गई है। छी, कितना घिनौना, मेरे मुंह में जिंदा मक्खी थी। तुम किस पर हंस रही हो पॉली, तुम्हारी बारी है। बस मुझे इसी बात का डर था, उम्मीद है कि बिच्छू मुझे डंक नहीं मारेगा। लेकिन इस लॉलीपॉप का स्वाद तो कुछ और ही कह रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। ओह, लगता है मैं उस सरप्राइज के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो अंदर है। ये एक असली बिच्छू है और उसने मेरी नाक पर डंक मार दिया। आह, कितना दर्द हो रहा है, बेचारी नाक। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, वे भी मुझ पर हंस रहे हैं। कैंडी, ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। क्यों, मछली मुझे डंक नहीं मारेगी, केवल ये घिनौनी है। और तुम सही थी, इसका स्वाद लॉलीपॉप की तरह ही है। अच्छा है, मेरे पास एक आइडिया है। पॉली जब वो खा रही है, चलो खेलते हैं। पॉली, सोना बंद करो, मैंने कहा जागो। कैंडी का लगभग हो चुका है। मैं इस पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ। इस लॉलीपॉप को बहुत तेजी से खाने का एक शानदार तरीका है। ओह, थोड़ा सावधान रहो। हाँ लड़कियों, अब तुम्हें मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया, और मैं सब खा लूंगी। लेकिन मछली का क्या? मुझे आशा था कि तुम उसके बारे में भूल जाओगी। ओह, ये कितनी घिनौनी है और इसे बदबू भी आ रही है। अरे बाप रे, वो जिंदा है और उसने अपनी पूंछ से मुझे बहुत जोर से मारा। कैंडी को एक मछली ने पीटा, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मुझे यह अभी खाना होगा। उफ, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी, क्योंकि बहुत घिनौनी है, मुझे बस उल्टी होने वाली है। लेकिन फिर भी तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा, मुझे पता है इसे जल्दी कैसे करना है। हो गया, ये घिनौनी थी पर मैंने कर लिया। आह, चोट लग गई। कैंडी, आगे से सावधान रहना। ओप्स। इस बार पहले ढक्कन मैं खोलती हूँ। ओके। मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। मुझे भी यह चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है? मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। ओह, जरा देखो मुझे कितनी विशाल चॉकलेट मिली है। इसे कहते हैं चॉकलेट बार। जरा, पर तुम पहले खाओगी खुशी से। मुझे उम्मीद है मेरी चॉकलेट बार कम से कम सबसे स्वादिष्ट है। इसे अपने हाथों से खाना काफी कठिन है, इसलिए मैं इसे ट्वीजर से करूंगी। चलो इसे खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, यह सच में अच्छा है। अब मेरी बारी है। ओके। मैं वास्तव में इस विशाल चॉकलेट बार का स्वाद लेना चाहती हूँ। लीला, तुम कैंडी रैपर ऐसे क्यों फेंक रही हो, यह अच्छा नहीं है। मैं बस ट्विक्स को जल्दी से बाइट करना चाहती थी। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है, मन हो रहा है कि सारी चॉकलेट को एक ही बार में खा लूं। हे, सावधान रहो, इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दोगी। स्वादिष्ट चॉकलेट, और क्या वो बुरा है? मैं खा खा कर थक गई हूँ। नहीं, तुम्हें दूसरे भाग भी पूरा खाना होगा। मैं कोशिश करूंगी, मुझे एक तरीका पता है कि बहुत जल्दी कैसे कुछ खा सकते हैं। काम नहीं किया। हाँ, अब इसने काम किया, मुझे बस मदद की जरूरत थी। ओह, मेरी गर्दन को क्या हो गया? परेशान मत हो, ये तुम्हें सूट कर रहा है। खैर, अब मेरी बारी है चॉकलेट खोलने की, लेकिन पहले मैं उनकी मदद से लीला के साथ शरारत करूंगी। मैं इन नुकीले दांतों के साथ वैम्पायर की तरह लग रही हूँ ना। लेकिन नुकीले दांत भूरे क्यों है? लेकिन मैंने सबको हंसाया, अब चॉकलेट खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट। फिर भी ट्विक्स बार से अच्छा कुछ नहीं है, बस उंगलियां चाटना ही बाकी है। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? क्या, केवल यह? लेकिन तरबूज के बीज खाए नहीं जा सकते, और मेरे पास असली तरबूज है, या यो कहे उसका हिस्सा। लेकिन मुझे पूरा तरबूज मिला है।
लेकिन पॉली को सम्मान देते हुए मैं उसे पहले खाने के लिए कहती हूँ। सही, क्योंकि मैं यहाँ सबसे भूखी हूँ। स्वादिष्ट, कितना रसीला और मीठा तरबूज है, पर इन बीजों को कहाँ रखना है? चलो सोचती हूँ कुछ। लीला, मदद करो। अरे वाह पॉली, तुम्हारे बीजों ने मेरे तरबूज में छेद कर दिया है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर रंगीन कैंडी का एक पूरा खजाना है। और इसके अलावा कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर देरी क्यों? सारे कैंडीज को एक ही बार में क्यों न खा लिया जाए? स्वादिष्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरबूज का छिलका भी इसके अंदर जितना ही स्वादिष्ट होगा। और यह सच है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। दोस्तों, मैंने काफी खा लिया। खैर जारा, अब तुम्हारी बारी है बीज को खाने की। तरबूज के बीज खाना थोड़ा अजीब है, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं अपने आप असली तरबूज क्यों नहीं उगाती? मेरी दादी ने मुझे पौधों की उचित देखभाल करना सिखाया है। जारा, तुम सावधान रहो, तुम चारों ओर मिट्टी बिखेर रही हो। छी, वो हमारे मुंह में भी आ गई है। यह छोटा गड्ढा बन गया, अब इसमें बीज डालकर इसे ढक देना है। और अब इसमें पानी डाल देती हूँ। और बस अब इंतजार ही करना बचा है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओ वाह, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या उगाया है। क्या? ताराम, तरबूज बड़ा हो गया है। अब इसे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है, ताकि इसे खाया जा सके। हो गया। आखिरकार मैं एक ताजा, मीठा और रसदार तरबूज का आनंद ले सकती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। जारा, तुम कितनी फनी हो। तो अब हमें क्या बनाना होगा? मुझे एक डोनट चाहिए। मेरे लिए डोनट्स बनाओ। यह तो आसान है। हाँ हाँ, यह हो जाएगा। अच्छी चॉइस है। क्या उन्होंने अभी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है? चलो, आटा तैयार है। डोनट्स को इस कटर से मैं काट लेती हूँ। 3 टुकड़े सही होंगे। यह फ्राइंग पैन को गर्म करने का समय है। मुख्य बात सही तापमान सेट करना है। हाँ, मैं अच्छे से तेल डालती हूँ। हाँ, यह आसान लग रहा है। टॉम, अपनी दादी को हार्ट अटैक मत दो। रिलैक्स दादी, सब ठीक है। ओप्स, अब आगे क्या करना है? तेल। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसके गर्म होने का इंतजार करना होगा। क्या, वो दोनों अभी से तल भी रहे हैं? ठीक है ठीक है, तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ। 1, 2, 3। ओह माय गॉड, तेल पूरा मेरे ऊपर छिड़क गया। टॉम, तुमने इतना क्यों डाला? हाँ सच में, मुझे अपने डोनट्स को बचाना होगा। अरे बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। यह पूरा फेल हो गया है। नहीं, ओह, चिंता मत करो बेटा। चलो, मेरे डोनट्स लगभग तैयार है, अब मैं उन्हें सजाऊंगी। चलो इसे यहाँ से काट दे। हाँ, एक इंसान अपनी आँखों से खाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। बेलिसिमो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे डोनट्स फिर भी सजावट के बिना बेहतर होंगे। इस तरह से। आपने कितने अच्छे डोनट्स बनाए हैं। और मैं, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, थोड़ा चीज। इसे डोनट्स के आकार में डाल देता हूँ। हाँ, बढ़िया। मैं सजावट के लिए अपने फेवरेट चीटोज लूंगा। और अब हथौड़े की बारी। क्या ये जानता भी है कि डोनट क्या होता है? बढ़िया, अब मैं इसे स्प्रिंकल की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से। हाँ, ये से एकदम सही होना चाहिए। बढ़िया, पर किसी चीज की कमी है। ओ दादी, क्या मैं आपसे यह ले सकता हूँ?
अच्छा ले लो। धन्यवाद। फ्राइंग पैन को बाहर फेंको, ये स्टोव काम आएगा। अब मुझे फॉइल चाहिए। मैं अपने चीज डोनट्स को लपेटूंगा और उन्हें सीधे स्टोव पर सेकूंगा। लगता है कि सब कुछ तैयार है। एकदम सही। अब मैं इसे परोस सकता हूँ। यह यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा और इतना अलग। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, और अंदर एक फिलिंग भी है। ये सच में स्वादिष्ट है। तो यहाँ क्या है? क्यूट है। चलो खाकर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ एक डोनट है? नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है। और यह क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, ये चीज डोनट है। यह तो कमाल का है, पर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ हाँ, मैं जानती थी मैं ही जीतूंगी। और अब आगे मुझे सैंडविच चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकती। ओह ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला चाहिए। यह रहा, बढ़िया है। और अब आगे मुझे मार्शमेलो चाहिए। चलो इसे सजाते हैं। एकदम सही। और हाँ, एक चॉकलेट बार। और यहाँ, और मैं इसमें रेनबो गमी डालूंगा। सॉस और कुछ और मीठे को नहीं भूलना है। और अब यह तैयार हो गया और सबसे खूबसूरत दिख भी रहा है। बढ़िया। थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डालता हूँ और इस तरह से। यह अच्छा नहीं है, इतनी चीनी। मैं एकदम साधारण सैंडविच बनाऊंगी। थोड़ा हैम, चीज, और अब बस इसे सेकना बचा है। ओवन चालू कर दिया और यह तैयार हो रहा है। परफेक्ट। वाह, और यह एकदम तैयार हो गया। ओह यार, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो चलिए पहले ब्रेड को अच्छे से फ्राई करते हैं। एकदम सही। सलाद पत्ता, टमाटर और आप सैंडविच और मीट के बिना, यह क्या है? मेरे सैंडविच का सीक्रेट सामग्री या घोंगे हैं। इस तरह से। ओह, यह भयानक है। बस हमें इसे इसके शेल से बाहर निकालना होगा। ओह, मुझे सिर्फ इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। ओह, मैं इन व्यंजनों के बारे में कभी समझ नहीं पाई। कितना भयानक है। और वे शेल्स और ये मसल्स मेरे सैंडविच के लिए एकदम सही रहेंगे। ओह, यह क्या गड़बड़ है। छी, कितना डरावना है। इसे हाउ के व्यंजन कहा जाता है, पर अभी भी किसी चीज की कमी है। डोट ब्लू चीज या सी फूड के साथ अच्छा लगता है। बस अब हो गया, यह फाइनल टच है। दादी, बस यह हो गया। ओह, कितना भयानक है। तो क्या क्या आप तैयार हैं? वाह, कूल सैंडविच। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। छी, यह क्या है? यो, छी छी छी, क्या गड़बड़ है? ओह नो, यह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे मीठा पसंद है, बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, तो अब यह अंतिम वाला। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एकदम सही है। दादी, आप जीत गई। हुर्रे, मैं जीत गई। अच्छा, तो अब आगे क्या है? अब मैं चाहती हूँ सीजर सैलेड। ओ कूल, वाह, आखिरकार। और यह क्या है? चलो शुरू हो जाता हूँ। टमाटर काटना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ओह, यह क्या है? ओह, तुम रुको टमाटर, मैं बस तुम्हें काट कर ही रहूंगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहो यंग मैन।
ये बहुत आसान है। देखो, एक और दो, बस हो गया। एक और दो, बस अब इसमें सलाद के पत्ते मिलाना है। और बिना चिकन के कैसा सीजर सलाद? और इसे काट कर डालना है। हाँ, एकदम सही। ओह, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा ताजा अरुगला और ढेर सारा बटर। सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से फेंटे। चलो शुरू करते हैं। एकदम सही। ओह, ये तामझाम। हमें एक छोटे सॉस पैन की आवश्यकता होगी। हम इसमें सभी लिक्विड डालते हैं। ओह, आखिर वह कर क्या रही है? मुझे पता नहीं है। अजीब है। एक बड़ी सिरिंज और एक ट्यूब। अब एक जादू होगा। अब इसका एक सॉसेज बनेगा। चलो, सैलेड पत्ते, टमाटर और निश्चित रूप से चिकन डालें। ऐसे टुकड़े ठीक रहेंगे। और थोड़े क्रूटॉन और निश्चित रूप से चीज। और अब यह तैयार है। Awesome! हाँ, मैं लगभग भूल गई थी, मुझे कुछ चीज को ग्रेट करने की जरूरत है इस तरह से। अरे, ये क्या हो रहा है? सब्जियां काटना बहुत मजेदार है। ओह, फिर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास ये कूल गम है। मैं इसे लेटस के पत्तों के रूप में उपयोग करूँगा। ओके। और ये गमी आइस और डिश को सजाने के लिए मार्शमेलोस और गमी बम्स डालता हूँ। और अब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ, देखो यह तैयार है। यह पूरी तरह से बेस्वाद है। केट, हम तैयार है। चलो देखते हैं। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। यह क्या है? आ, आ, छी, क्या गड़बड़ है? निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ क्या है? हाँ, हाँ, सलाद, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ कुछ दिलचस्प। ये बहुत स्वादिष्ट है। यह निश्चित रूप से एक विजेता है। हुर्रे! हाँ, विक्ट्री! ये! वाह, बारबरा, तुम भाग्यशाली निकली। एक पूरी प्लेट भरकर पॉपकॉर्न। निक के पास ज्यादा नहीं है, पर वो परेशान भी नहीं है। जूली की किस्मत साथ नहीं है, उसके पास सिर्फ एक है। जूली, तुम शुरू करो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरा हेयर स्ट्रेटनर कहाँ है? मुझे यही चाहिए था। वास्तव में तेज और स्वादिष्ट निकला। वाह, अब मैं इस पॉपकॉर्न को जल्दी से पकाऊंगा। वाह, लीक, तुमने ये नहीं बताया कि तुम एक शेफ हो। इस रेसिपी को लिख लो। एक फ्राइंग पैन लो और इसमें मकई के दाने डाल दो और एक दो मिनट इंतजार करो, फिर इसके मजे लो। वाह, ये एक विस्फोट है। लड़कियों, सावधान हो जाओ। वाह, नीक, यह वास्तव में विस्फोटक नुस्खा था। पॉपकॉर्न बनाने का मेरा अपना तरीका है। कोला में थोड़ा टबैस्को मिलाए और इसे अपने दोस्तों को पीने के लिए दे। यह क्या है? बस मुझे इसी की जरूरत थी। धन्यवाद निक। तीखा, गर्म। वाह, निक और बारबरा के पास कितने सारे गमी आए हैं और जूली के पास सिर्फ एक है, केवल एक। कितना कम। निक, यदि तुमने ध्यान नहीं दिया है तो जूली मजाक के मूड में नहीं है, इसलिए यह लो। मेरे साथ मत उलझो, हमें झगड़ना क्यों है? अब मैं तुमसे बदला लेकर आऊंगा। निक, अब तुमने क्या सोचा है? आँख में केचप? छी, कितना गंदा। जूली, अगर तुम चाहो तो मेरी आँख खा सकती हो। क्या ये सच में तुम्हारी आँख है? हाँ, ये लो। इसे मुझसे दूर करो। बारबरा, सावधान, तुम्हें निक की आँख खाली है। यह क्या? छी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सुबह सुबह एक कप गर्म कॉफी।
इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बहुत स्वादिष्ट। रुको, यह क्या है? एक आईबॉल। तुम लोग असली जोगर हो। अब मेरी बारी है। कितना स्वादिष्ट है, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। वाह, इसे कहते हैं भूख। ओ, क्या स्पीड है। मेरी बारी है। अब चल वो मोड। स्वादिष्ट। वो नेक, तुमने वो सब कितनी जल्दी खा लिया। क्या तुम लड़कियों के साथ शेयर कर सकते हो? प्लीज, उन्हें बहुत भूख लगी है। केवल एक प्लीज। नहीं, ये मेरे हैं। नेक, तुम इतनी गमी आई एक साथ नहीं खा सकते। बहुत देर हो गई। अब तुम वो सारी शरारत देखो जो लड़कियों ने तुम्हारे साथ की है। जी, मैं सब नहीं खा सकती। इसे मेरे सामने से हटाओ। केवल एक। मैं यह कर सकता हूँ। वो क्या है दोस्तों, हिम्मत से काम लो, तुम यह कर सकते हो। मैं पहले शुरू करूंगी। बारबरा, यह एक बीज है, तुम्हें इसे खाना नहीं चाहिए बल्कि इसे लगाना चाहिए। ध्यान से बारबरा, देखो तुम कहाँ फेंक रही हो। अब मैं तुम्हें रोकने जा रही हूँ। बढ़ो, पौधा निकल क्यों नहीं रहा है। बारबरा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, उसे बढ़ने का समय दो। मैं पहले शुरू करता हूँ। इसे जल्दी से खा लेना चाहिए ताकि इसका स्वाद समझ में नहीं आए। छी, कितना गंदा। मुझे इस खराब स्वाद से जल्दी छुटकारा पाना है। मुझे इसे की जरूरत थी। मैं ये ले रही हूँ। मुझे अपने पौधों को पानी देने की जरूरत है। अब यह बढ़ेगा। भूकंप, छिप जाओ, डरो मत। वो सिर्फ बारबरा का बीज बढ़ रहा था। अब बारबरा के पास अपना ब्रोकली का पौधा है। कितना खराब। मुझे ब्रोकली से नफरत है। छी, बारबरा, तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए और तुम्हें अपना ब्रोकली खा लेना चाहिए। नहीं, ब्रोकली के अलावा कुछ भी चलता, पर मेरे पास एक आइडिया है इससे छुटकारा पाने का। देखो, उधर ऑक्टोपस है। जूली, तुम्हें पता है ना कि सभी शरारतों की सजा अंत में जरूर मिलती है, और एक तो निक ने तैयार कर रखी है। वो बहुत स्वादिष्ट था। तो फिर थोड़ा और खाओ। नहीं, छी, कितना खराब। अगली बार धोखा देने की कोशिश मत करना। फ्रेंच फ्राइज, सभी काफी खुश हैं। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। पर रुको, जूली उतनी भाग्यशाली नहीं है, उसे बस एक छोटा फ्राई मिला है। कितना स्वादिष्ट, पर बहुत कम। मुझे और चाहिए। अब मेरी बारी है। बड़ा, थोड़े फ्राई मुझे दो। क्या, कम से कम एक ही दे दो। बिल्कुल नहीं, ये लो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुम बस देखो, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। जूली बारबरा के केचप को वास्तव में तीखा बना रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। सौ है। ओ, ये हमें मत काट देना।
बस कुछ बार काटना होगा और फिर यह कैन खुल जाएगा। तुम तो एक असली मास्टर निकले। देखो वाह निक, ये कितनी ताकत से तुमने फेंका। प्रिंगल्स को वो कैन सीधे आकाश तक पहुंच जाएगा। निक अपना मुंह खोलो, चिप्स तुम्हारे तरफ आ रहे हैं। आखिरकार मैं अपने स्वादिष्ट चिप्स खाती हूँ। वाह बारबरा, तुम्हें तो काफी भूख लगी है। अरे ध्यान से अपना कैन फेंको। ओह चोट लग गई। कितना स्वादिष्ट, क्या हो रहा है? निक बेहतर होगा कि तुम टेबल के नीचे छिपे रहो, बारबरा बॉम्ब फेंक रही है। जूली झुक जाओ, मैं इसका शिकार फिर नहीं बनूंगी। वाह तुम तो एकदम तैयार हो, पर निक तो नहीं। ध्यान से, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। बारबरा अपना टावर पकड़ कर रखना। यह काम कर गया। क्या हुआ? किस्मत ने फिर जूली का साथ नहीं दिया, सिर्फ एक। निक के साथ ऐसा नहीं है, उसे पूरा एक प्लेट स्किटल मिला है। वाह, और बारबरा को सारे रंग मिले हैं। सिर्फ एक, और वो भी इतना छोटा। चुप रहो, मेरे पास एक आइडिया है। जूली मुझे नहीं लगता कि वह काम करेगा, पर कोशिश करके देखो। वाह अब यह तो बढ़िया है, अब यह बेहतर है। वाह कितना स्वादिष्ट, यह कमाल का था। मैं तो स्किटल्स हमेशा खा सकती हूँ। वाह बहुत अच्छा। निक अब तुम्हारी बारी, देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वाह तुम तो हमेशा सरप्राइज लेकर आते हो, पर तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अरे नहीं मेरे स्किटल्स। वैसे मैं जानता हूँ कि अभी भी बहुत स्किटल्स किसके पास है। निक मुझे नहीं लगता बारबरा को यह आइडिया पसंद आएगा, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। हाथ हटाओ, आउच। यह सिर्फ मेरा है, मैं कौन से फ्लेवर के साथ शुरू करूँ? यह वाला या यह वाला? नहीं यह वाला। मैं चुन नहीं पा रही, यह बहुत मुश्किल है। ओह मुझे पता है, वह क्या है? एक लॉटरी जिसकी मदद से मैं एक रंग चुन पाऊंगी। चलो खोल कर देखती हूँ। मैं हरे के साथ शुरू करूंगी। ओके स्वादिष्ट, मुझे स्किटल्स बहुत पसंद है। मुझे सारे फ्लेवर एक साथ खाने का मन है। कितना बढ़िया, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। यह क्या है? वाह! अरे ये तो बड़ा स्किटल्स है। कितना बड़ा है और जरूर बहुत स्वादिष्ट भी होगा। एकदम सही कहा, यह लाजवाब है और उसके अंदर एक सरप्राइज भी है। Okay. दोस्तों इधर आओ, इधर सबके लिए काफी है। ट्रिक्स तो कमाल का होता है। What? Okay. यह लोग तो शुरू करने का इंतजार ही नहीं कर सकते। मैं पहले चलती हूँ। अरे ध्यान से, मेरे पास एक आइडिया है। कितना स्वादिष्ट, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। जूली तुम तो इतनी गंदी हो गई हो कि अब तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। अब मेरी बारी है। ओह तुमने तो वो रैपर बहुत जल्दी हटा दिए, बहुत अच्छा। कितना स्वादिष्ट, पर फिर भी किसी चीज की कमी है। हाँ मुझे गर्म दूध की जरूरत है। कॉकटेल बन गया है, एकदम सही जोड़ी है। अब मेरी बारी है। वाह तुम्हारे पास तो ट्विक से बनी एक पूरी दीवार है, और अब मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। मेरे उपकरण कहाँ है? न्यूटेला, मुझे इसकी ही जरूरत है। मैं इन ट्विक्स को एक टावर बनाने जा रहा हूँ। देख तुम्हें अपने दोस्तों को ट्विक्स के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या हो रहा है? नहीं
तुम ठीक हो? हाँ, मेरे हैट ने मुझे बचा लिया।